भी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने मॉर्निंग में ही आपको फिन निफ्टी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के तीनों के लेवल्स प्रोवाइड करवा दिए थे, और उसके बाद हमने आपको बता दिया था कि फिन निफ्टी और निफ्टी है जो अपने डे हाई पर हैं, अगर वो अपने डे हाई को ब्रेक करेंगे तो अपने कॉल, आप कॉल साइड एंट्री को लेकर चल सकते हैं। और यहाँ पर फिर हमने आपको ये भी बता दिया था कि जो बेरिश एनगल्फिंग पैटर्न हमारा 5 मिनट में बना हुआ है फिन निफ्टी में भी, और मार्केट जो है अपने ट्रेंड लाइन को भी ब्रेक कर चुकी है, यानी अपर ट्रेंड लाइन को हमने आपको कल ये दो तरीके से, ये हमने आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल हमने आपको ये कल को बताई थी, ये अपर को आज अपनी क्रॉस कर चुकी थी, तभी हमने आपको कंफर्मेशन दे दी थी कि अगर इसको ब्रेक करेगी तो आप पुट साइड अपनी एंट्री को लेकर चल सकते हैं। और 18800 का हमने आपको फिर से मेन सपोर्ट बताया था, क्योंकि मार्केट ने जो आज इसके अपसाइड यानी 50 पॉइंट्स मार्केट आज इसके अपसाइड गई थी, तो हमने आपको बता दिया था 18800 का आपके लिए मेन सपोर्ट है, अगर ये ब्रेक होगा तो आपको पुट साइड एंट्री लेकर चलनी है। फिर जो भी हमारे फिर बियरिश कैंडलस्टिक पैटर्न हमारे फॉर्म हुए थे वो सब कुछ हमने आज आपको अपडेट कर दिए थे। आप यहां देख सकते हैं कि जो 5 मिनट का चार्ट था और 30 मिनट का चार्ट था, इसमें हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ था। बैंक निफ्टी में भी हमने आपको बता दिया था कि बेयरिश पिन बार कैंडल हमारी बनी हुई है, और उसके बाद वन हार में भी हमने आपको बता दिया था कि हमारा शूटिंग स्टार पैटर्न बना हुआ है, यानी सब हमारे बेयरिश पैटर्न थे, और हमने आपको सुबह ही ये चीज़ अपडेट कर दी थी कि मार्केट हमारी आज डाउन साइड रहेगी, और उसी के बेसिस पर आज हमने भी ट्रेड ली थी। और उसके बाद भी हमने आपको यहाँ पर ये ICICI बैंक और कोटक बैंक, क्योंकि जिस टाइम हमारी बैंक निफ्टी हमारी कंसोलिडेट हो रही थी तो हमने आपको बता दिया था कि तीनों बैंक सिर्फ हैं हमारे, जो ये ICICI कोटक यही हमारे सिर्फ पॉजिटिव थे, बाकी सब हमारे नेगेटिव थे, और इनके भी चार्ट हमने आपको यहाँ पर अपडेट कर दिए थे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कोटक बैंक था हमारा डबल टॉप पैटर्न था, और यहाँ से फिर से ये हमारा डाउन साइड ऑलमोस्ट आखिर में आया है, और ICICI बैंक भी हमारा यहाँ से इवनिंग स्टार पैटर्न बना था और ये भी हमारा 14 पॉइंट डाउन साइड आया था हमारी जब मेन सपोर्ट पर थी, तो हमने आपको ये बता दिया था कि यहाँ पर इनसाइड कैंडल की फॉर्मेशन हुई है, तो अगर आपके इसका अपसाइड ब्रेक होती है तो आप अपसाइड एंट्री को लेकर चल सकते हैं। तो यानी जो कुछ भी मार्केट आर्स के दौरान यहां पर बन रहा था वो सब कुछ हम आपको अपडेट कर देते हैं, तो आप भी हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं अगर आप अपनी टेक्निकल एनालिसिस को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं। तो गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ट्रेडिंग विद प्रियंका कश्यप। आई होप आज आपने फिन निफ्टी में ट्रेड करके काफी सारा प्रॉफिट कमाया होगा। आज मार्केट आर्स के दौरान हम अवेलेबल नहीं थे, हमें कुछ इंपॉर्टेंट काम था, बट आपको जो मेन चीज थी वो हमने आज आपको अपडेट मार्केट आर्स के दौरान हमने कर दी थी। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि ये हमने आपको कल बताया था कि 30 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारी ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल बनी हुई है, ये हमने कल आपको बताया था, और इसके अपसाइड के और डाउन साइड के यानी जो हमारे लिए रेजिस्टेंस थे और सपोर्ट थे वो हमने आपको बता दिए, और आज मार्केट ने एग्जैक्ट उन्हीं रेजिस्टेंस और सपोर्ट के अपसाइड मार्केट ने आज काम किया है, और ये अभी हम आपको अपने आगे वीडियो में बताने भी वाले हैं। और आप देख सकते हैं कि हमने आपको ये चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट हमारी इस ट्रेंड लाइन से अपसाइड जाती है, यानी जो ये अपसाइड की हमारी ट्रेंड लाइन थी, हमने आपको बताया था कि ये आपके लिए एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगी, और ये डाउनसाइड की जो लाइन है ये आपके लिए सपोर्ट की तरह एक्ट करेगी। तो ये हमारी आप यहाँ पर आज देख सकते हैं कि मार्केट जो है इसके अपसाइड यहाँ पर नहीं गई है, और हमने कल आपको बताया था अगर मार्केट इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड निकलती है और कंसोलिडेट होती है तो आपको देन अपनी कॉल साइड एंट्री लेनी है, और जब मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के डाउन साइड निकलती है और कंसोलिडेट होती है तो आपको पुट साइड एंट्री मिलेगी। तो यहाँ पर आप यहाँ पर देख ही सकते हैं कि मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन के अपसाइड नहीं गई है, लेकिन इसका एक इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस था जो हम आपको लास्ट अपनी 3 वीडियो से बताते आ रहे थे कि 18,800 हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, अगर ये ब्रेक होगा देन आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाकर दिखाएं तो यहाँ पर आपको एक अपनी कॉल साइड एंट्री बन सकती थी आपकी, जब मार्केट ने इस 18800 के लेवल को ब्रेक किया, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मार्केट अगेन वहीं तक ही गई है जहाँ तक मार्केट हमारी 20 को थी। आप यहाँ देख सकते हैं कि 20 का भी हमारा यही हाई था, यानी 18,840, और आज भी मार्केट ने अपना यही हाई लगाया है, यानी 18,000
840 का, और वहीं से ही मार्केट ने एक पैटर्न फॉर्म किया, बियरिश पैटर्न, जिसको हम बियरिश एनगल्फिंग पैटर्न बोलते हैं। हमारा 15 मिनट में ये पैटर्न बना हुआ था, ये भी हमने आपको अपडेट किया था, और ये जब हमारा ये यहाँ पर शूटिंग स्टार पैटर्न बना था, ये भी हमने आपको अपडेट किया था, और यहाँ पर जो ये वन हार में हमारा पैटर्न बना था, ये भी हमने आपको बता दिया था कि इवनिंग स्टार पैटर्न हमारा यहाँ से रजिस्टेंस पर बनेगा, और जब इन तीनों पैटर्नों के लो ब्रेक हो गए तो हमने आपको पुट साइड एंट्री अपनी यहाँ पर दिलवाई थी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में तो मार्केट हमारी कंसोलिडेट थी, लेकिन मार्केट ने जब इस ट्रेंड लाइन का यानी डाउन साइड की जो ये हमारी ट्रायंगल थी, सिमेट्रिकल ट्रायंगल थी, जब इसका लो ब्रेक किया और जब यहाँ पर 30 मिनट मार्केट ने इस लेवल पर होल्ड किया, देन हमें मार्केट में एक शार्प मूवमेंट यहाँ से मिलना था। और ये चीज़ हमने आपको बताई थी कि अगर मार्केट इसके यहाँ पर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक करती है डाउन साइड की और यहाँ पर इसको होल्ड करती है, तो आपको अपनी पुट साइड एंट्री बनाकर चलनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने इसकी कितनी ज़्यादा रिस्पेक्ट की और यहीं से डाउन साइड मार्केट आई है। अगर आपने यहाँ से जब इस कैंडल का लो ब्रेक हुआ तब भी अगर आप अपनी एंट्री लेते तो कुछ पॉइंट आप यहाँ से भी कैप्चर कर सकते थे। तो आई होप आपने आज इस तरीके से मार्केट में अपना प्रॉफिट कमाया होगा। और ये हमने यहाँ पर आपको बता दिया था कि बुलिश एनगल्फिंग हमारा ये पैटर्न बना हुआ है, अगर मार्केट ने इसके हाई को ब्रेक किया देन आप अपनी कॉल साइड एंट्री को लेकर चल सकते हैं। ये सब कुछ हमने आपको आज मार्केट आर्स के दौरान बता दिया था, और हमने आपको कल भी ये चीज़ बताई थी कि अगर मार्केट हमारे इस लेवल को यानी जो ये हमारा सपोर्ट था 750 का, अगर इसका लेवल ब्रेक करेगी तो देन हमारा जो नेक्स्ट सपोर्ट होगा वो होगा हमारा 650 का, और देन हमने आपको 600 का अपना सपोर्ट बताए थे, और अपसाइड के लिए हमने आपको 18800 का मेन सपोर्ट बताया था, और कल का जो हमारा डे हाई था वो हमने आपको बता दिया था। आई होप आज आपने इस तरीके से ट्रेड किया होगा मार्केट में, तो डेफिनेटली आज आपने अपना प्रॉफिट कमाया होगा। चलिए फिर अब ये देखते हैं कि मंडे के लिए हमारे कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट होने वाले हैं जिन पर हम ट्रेड करेंगे। हम आज मार्केट में डेली के हिसाब से और मंथली के और वीकली के हिसाब से भी जानने वाले हैं कि मार्केट में हमारा क्या बन सकता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारी ये तीन डोजी कैंडल्स बनी हुई हैं, आपको पता ही है कि जब मार्केट में इस तरह की डोजी कैंडल्स हमारी फॉर्म होती हैं तो मार्केट में या तो हमें अपसाइड एक बड़ा मूव नज़र आता है या हमें डाउनसाइड एक बड़ा मूव नज़र आता है। तो आप यहाँ पर अगर ध्यान से देखें तो हमने आपको जब ये पिन बार कैंडल बनी थी तो हमने आपको तब भी बताया था कि अगर इसका हाई ब्रेक हुआ तो आपको कॉल साइड एंट्री लेनी है, लेकिन आज मार्केट ने जो 18700 का कल हमने आपको मेन सपोर्ट बताया था डेली के हिसाब से, मार्केट ने आज इस लेवल को ब्रेक भी किया और मार्केट हमारी यहाँ से 25 पॉइंट्स भी मार्केट हमारी डाउन आई है। लेकिन अगर आपके लिए एक समझने वाली बात ये है कि अगर आपने ध्यान दिया होगा तो मार्केट ने आज वही लो बनाया है जो कि हमारा यहाँ पर 17 डेट का लो है, यानी जहाँ से मार्केट ने हमारी बहुत ज़्यादा सेलिंग दी थी आज भी मार्केट का वही लो बना है। यानी इस बात से हमें ये पता चलता है कि मार्केट जब जब इस लेवल पर आती है, और ये लेवल है हमारा 18630 का, जब मार्केट इस लेवल पर आती है तो तभी मार्केट में एकदम से हमारे बायर्स एक्टिव हो जाते हैं। तो यानी ये लेवल आपके लिए एक मेन सपोर्ट की तरह काम कर रहा है अभी भी, क्योंकि 17 को भी मार्केट ने यही सपोर्ट लिया था, अगर उससे पहले भी देखें तो मार्केट ने यही सपोर्ट लिया था, और यहाँ भी अगर हम देखें तो आज भी मार्केट ने यहीं से सपोर्ट लिया, और यहीं से अगेन मार्केट हमारी ऑलमोस्ट 90 पॉइंट्स अपसाइड यहाँ पर मार्केट ने हमारी क्लोजिंग दी है। तो यानी आपके लिए अब मेन सपोर्ट अभी भी दोबारा से यही है। अगर फिर से मार्केट इसके अगेन साइड आई मार्केट, तो अब फिर से मार्केट हमारी इस लेवल को ब्रेक करेगी, क्योंकि बायर्स जो होंगे फिर इस लेवल को होल्ड नहीं कर पाएंगे। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर यहाँ पर इसके रेजिस्टेंस की बात करें तो दो दिन से हमारे लिए यही रेजिस्टेंस इम्पोर्टेंट बना हुआ है, यानी 8850 का। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि आज भी मार्केट ने यही हाई लगाया है और उससे पहले भी मार्केट ने यही हाई लगाया था। तो अब ये आपके लिए मेन रेजिस्टेंस है, पहले आपके लिए 8800 बना हुआ था, लेकिन मार्केट ने कल भी
इस 8,800 के लेवल को ब्रेक किया और आज भी मार्केट ने इस 800 के लेवल को ब्रेक किया, लेकिन अब जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट रेजिस्टेंस हमारे लिए बन चुका है वो है 8,850 का, क्योंकि जब मार्केट इस लेवल पर जा रही है तभी हमारे मार्केट में सेलर एक्टिव हो जाते हैं। तो रेजिस्टेंस आपके लिए जो मेन है वो है 18,850 का और जो मेन सपोर्ट है मार्केट का वो है हमारा 18,660 का, सॉरी 63 का। तो अब आप देख सकते हैं कि जब तक मार्केट इस रेंज के बीच में, बहुत ज़्यादा मार्केट हमारी कंसोलिडेट हो चुकी है, यानी जो ये हमारे पॉइंट्स बनते हैं वो ऑलमोस्ट हमारे 180 पॉइंट्स हमारे ये बनते हैं, तो 180 पॉइंट के बीच में ही मार्केट हमारी यहाँ पर घूम रही है। तो जब तक मार्केट में इन दोनों लेवल्स का ब्रेक नहीं होता तब तक मार्केट में हमें एक शार्प मूवमेंट बहुत ही ज़्यादा कम देखने को मिलेगी, क्योंकि जब इन लेवल का ब्रेक होगा, क्योंकि मार्केट जो है बहुत ज़्यादा ही इस लेवल के बीच में कंसोलिडेट हो चुके। आप देख सकते हैं कि जब भी मार्केट में इस तरह की डोजियां बनती हैं तो मार्केट में हमें एक ज़रूर अपसाइड या डाउनसाइड हमें मूव देखने को मिलता है। तो जिस तरीके से आज मार्केट ने ऑलमोस्ट अपने रजिस्टेंस पर तीनों बियरिशिंग पैटर्न बनाए, यानी 15 मिनट की बात करें, 30 मिनट की बात करें, अगर हम यहाँ पर अपने 1 आवर की बात करें, तो सब में हमारे बियरिश पैटर्न बने हुए थे और जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अगर मार्केट ने अगेन यहीं से हमारे मंडे को यहाँ पर यही पैटर्न अगर हमारे फॉर्म किए तो आपको डेफिनेटली फिर ये लेवल मंडे को ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा। अगर इसकी सपोर्ट की बात करें, अगर मार्केट ने यहाँ से थोड़ी सी डाउन साइड ओपनिंग दी और यहीं से फिर से कोई पैटर्न बनता हुआ नज़र आया तो यहाँ से फिर आपको ये लेवल ब्रेक होता हुआ नज़र आएगा मंडे को। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो आपके लिए अब ये देखते हैं कि मंडे के लिए आपके वो कौन से लेवल होंगे जो आपके लिए सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेंगे। पहले हम अपने रेजिस्टेंस की बात करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं जो आज मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो दी है हमारी 18,744 के लेवल के पास दी है, यानी जो हमारा काफ़ी टाइम से जो ये 18,800 का हमारा रेजिस्टेंस था, आज मार्केट ने इसके फिर से डाउन साइड ही क्लोजिंग दी है। तो ये लेवल भी अब दोबारा से आपके लिए मेन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो आपके लिए रहेगा वो होगा हमारा 18,000 यहाँ पर 851 का लेवल, ये आपके लिए फिर नेक्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा। और देन उसके बाद जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा वो होगा हमारा 18,894 का लेवल, ये आपके लिए फिर से नेक्स्ट रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करेगा। 18,969 का लेवल, ये आपके लिए फिर मेन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला। आप जानते हैं कि 17 का हमारा ये डे हाई है, तो ये आपके लिए फिर मेन रेजिस्टेंस रहेगा यहाँ पर 18,968 का लेवल। और उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फिर से आपके लिए रेजिस्टेंस है वो है हमारा 19,009 का, ये आपके लिए नेक्स्ट मेन रेजिस्टेंस रहेगा। चलिए फिर अब अपने सपोर्ट की बात करते हैं कि हमारे लिए मेन सपोर्ट कौन से रहेंगे। तो सबसे पहला हमारे लिए जो सपोर्ट रहेगा वो होगा हमारा यहाँ पर 18,720 का लेवल, ये आपके लिए मेन सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा मंडे को। और उसके बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट है वो है हमारा यहाँ पर 18,669 का लेवल, ये है रहा हमारा 69 का लेवल, ये आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट है। और उसके बाद जो हमारे लिए नेक्स्ट सपोर्ट है वो है हमारा 18,600 का लेवल, ये आपके लिए नेक्स्ट सपोर्ट की तरह एक्ट करेगा। अगर एक और लेवल की बात करें तो वो है हमारा 18,538 का लेवल, ये आपके लिए मंडे को मेन सपोर्ट की तरह एक्ट करने वाले हैं ये सभी के सभी लेवल्स। अगर इन लेवल्स की अगर हम यहाँ पर बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मार्केट ने काफ़ी टाइम तक इसी लेवल्स के बीच में यहाँ पर कंसोलिडेट की है, इन दोनों लेवल्स के बीच में। और आज मार्केट ने जो फिर से ब्रेक डाउन दिया था तो वो हमारा यहीं पर मार्केट ने सपोर्ट लिया था। और रेजिस्टेंस की भी बात करें तो मार्केट ने हमारे यही रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। तो ये लेवल अब आपके लिए मेन रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है इन्हीं लेवल्स के पास ही मार्केट ने अपना सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया हुआ है। तो जो हमने आपके लिए आपको लेवल
बताए हैं ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू।